बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। कलवंजी और सफ़ेद ज़ीरा के बाद बढ़ते हैं अगले वॉइस मैसेज की जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं टोपा तो हूँ। टोपा 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 टेक सिंह, अच्छा क्या फरमाते हैं, क्या है मसला? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम मैं टोपा सलाम। से हूँ। अगर बकरी दाने खा ले तो बकरी उसको उस वक्त पानी नहीं पिलाना चाहिए। जब उसको मोक लग जाए तब भी दाना ना खाने लगे तो उसको पानी पिला दें या नहीं, प्लीज रहनुमाई कर। मेरी जान, वो तो खैर पहला हिस्सा तो ठीक है, आपने कहा दाना खाए तो उसके बाद फौरन पानी ना पिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। या लेकिन जब उसको मोख लग गई हो तो ORS वाला नमकोल मिला पानी पिलाएं, और उसमें डायरो बांध के सैशे वो मिला लें और पानी पिलाएं, और पानी में नमकोल, यानी ये नमकोल समझते हैं ना, ORS, ये वो डाल के वो पिलाएं, नमकोल नमक वाला पानी वो मिला के वो पिलाएं। अगर नमकोल नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, नमक उसमें घोल लें और थोड़ा लीमू लें, लीमू निचोड़ के वो पानी पिलाएं। अवल तो टोबे में बहुत सारे नमकोल मिल जाएंगे, नमकोल या ORS आम मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, ठीक है। अल्लाह मियाँ ठीक रखे आपके बकरे बकरियों को, फी माल्ला। और इस प्रोग्राम का अख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ, हज़रत अय्याद बिन हम्मार मुजाशी, ये रावी हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद-ए-ग्रामी है कि आजजी इख्तियार करो। फी माल्ला।